हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर फिर आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगा एंड दैट इज अ फाइल हैंडलिंग। ओके, तो फाइल को हमें क्यों यूज करना है, फाइल की नीड क्या है, किस तरीके से हम फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो चलिए शुरुआत यहां से करते हैं कि फाइल की नीड क्या है, मतलब व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आई होप फाइल हैंडलिंग का ये टॉपिक आपने वहां भी पढ़ा होगा, क्योंकि क्या होता है, देखिए आप जब भी हम जावा में अभी तक जब जितने कोर जावा की अगर हम बात करें तो कोर जावा में जब भी अभी हमने डेटा को रीड या राइट किया तो आपने देखा डेटा को हम कहां से रीड और राइट कर रहे हैं, कंसोल से, राइट कि कंसोल पे हम डेटा राइट कर रहे हैं या कंसोल से हम डेटा रीड कर रहे हैं। और इसके लिए आपको याद है मैंने आपसे कहा था हमारे पास दो स्ट्रीम होती है, आउट और इन। ये आउट और इन एक्चुअली ऑब्जेक्ट नेबर जावा में हमारे लिए दो स्ट्रीम का काम करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम। मतलब आउट इज एन आउटपुट स्ट्रीम ऑफ जावा एंड इन इज द इनपुट स्ट्रीम ऑफ जावा, जिनको यूज करके हम जावा में कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं या कंसोल पे डेटा राइट कर रहे हैं। और स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। लाइक आप देखिए, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो वहां पर आउटपुट स्ट्रीम हुआ करती थी सी आउट और इनपुट स्ट्रीम हुआ करती थी सी, ठीक है। और यहां पर आपके लिए आउटपुट स्ट्रीम है आउट और इनपुट स्ट्रीम कौन है, इन, राइट। एंड बिलीव मी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय स्ट्रीम्स, स्ट्रीम से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। इस फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बार टॉप मोस्ट एमएनसीज में इंटरव्यू में आपसे प्रोग्राम पूछा जाता है कि राइट ए कोड फॉर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इन अ फाइल। तो अगर फाइल से रिलेटेड या आईओ से रिलेटेड असाइनमेंट क्विजेस की अगर हम बात करें तो जो प्रीमियम कोर्स है हमारा टेक विद्वान की वेबसाइट पे, वहां पर जब आप देखेंगे तो इस कोर्स के एक एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लाइक छोटे से कॉन्सेप्ट से लेके हर उस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए क्वेश्चन है। क्विजेस देख लीजिए, असाइनमेंट देख लीजिए, इंटरव्यू क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो एच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दैट प्रीमियम कोर्स जो कि आपके लिए एक विद्वान की साइट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं कि सर जब कंसोल पे डेटा बढ़िया रीड और राइट हो रहा है देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइल कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आप देखिए कंसोल पे जो डेटा आप सेव कर रहे हैं वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में है, मतलब कंसोल पे डेटा कब तक रहता है, जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद हुई, मतलब आपका प्रोग्राम बंद हुआ, डेटा लॉस। पर यदि आप चाहते हैं कि आपको डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर करना है तो डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर करने का एक ही तरीका होता है कि आप डेटा को फाइल में सेव कर दीजिए, जस्ट सेव योर डेटा इन अ फाइल, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है सर जावा फाइल से कम्युनिकेशन किस तरीके से करेगा, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिए जब भी जावा से कोई डेटा जाएगा या डेटा आएगा, ठीक है, या तो डेटा जाएगा या डेटा आएगा, राइट। ये पूरा काम केवल और केवल स्ट्रीम के थ्रू होता है, मतलब स्ट्रीम के थ्रू ही जावा का डेटा फाइल में जाएगा और फाइल से डेटा आता है। तो अब क्वेश्चन है सर कंसोल से तो आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम कनेक्टेड है, लेकिन अगर मुझे फाइल से डील करना है तो यहां पर स्ट्रीम का काम कौन करेंगे। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर किस तरीके से हमारा डेटा जावा और फाइल के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो यहां पर आप देखिए जावा ने फाइल हैंडलिंग के लिए मुझे दो तरीके की स्ट्रीम क्लासेस दी है, दो तरीके की, ना ध्यान से सुनना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम क्लासेस आर अवेलेबल, एक को हम कहते हैं बाइट स्ट्रीम और एक को हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद द फाइल, राइट। तो एक मेरे लिए बाइट स्ट्रीम और दूसरा मेरे लिए कैरेक्टर स्ट्रीम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बाइट स्ट्रीम में जितनी भी क्लासेस अभी हम देखने वाले हैं दिस ऑल क्लासेस आर परफॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बट वन बाइट ऑफ डेटा। मतलब यदि आपको लगता है कि आपका डेटा वन बाइट ऑफ डेटा है सो द बाइट स्ट्रीम इज द सुटेबल ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। वन बाइट ऑफ डेटा मतलब अगर आपको एक बाइट के डेटा को ट्रैवल करना है तो यहां पर हमारे पास बाइट स्ट्रीम अवेलेबल है। यदि हमें लगता है कि हमारा डेटा टू बाइट ऑफ डेटा है तो हमारे लिए कैरेक्टर स्ट्रीम अवेलेबल है। मतलब जावा में मेरे पास बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दो तरीके के स्ट्रीम है जिनको यूज करके हम जावा में फाइल से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो अब ये बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम का डिफरेंस आपको समझ में आया कि वन बाइट ऑफ डेटा अगर ट्रैवल करना है देन वी हैव अ बाइट स्ट्रीम, टू बाइट ऑफ डेटा अगर आपको ट्रैवल करना है देन वी हैव अ कैरेक्टर स्ट्रीम, राइट। तो ये स्ट्रीम क्लासेस हमारे लिए अवेलेबल है। और आप देखिए मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि आप अगर इसको बिल्कुल प्लेसमेंट रेडी तक पढ़ना चाहते ना तो आप एक बार हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को बिल्कुल देखें जो कि टेक विद्वान के साइट पर आपके लिए अवेलेबल है। आपको समझ में आएगा
कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमने, मतलब इट टेक्स, मुझे जहां तक ध्यान है इट टेक्स अराउंड 15 लेक्चर जिसमें मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है, जिसमें हर एक टॉप मोस्ट कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा कि फाइल से रिलेटेड किस तरीके के एप्लीकेशंस क्रिएट होती हैं। मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट वहां पे फाइल को लेके क्रिएट बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसको केवल एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझना आप समझ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू लेवल की प्रिपरेशन करना पड़ेगी, गॉट माय पॉइंट। तो ये बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम। अब देखिए आप, बाइट स्ट्रीम मतलब क्या? तो बाइट स्ट्रीम के लिए जावा ने हमें बाकायदा एक हायरार्की ऑफ द क्लास दी है। पहले हम बाइट स्ट्रीम की बात करते हैं, राइट? तो बाइट स्ट्रीम को लेके जावा ने हमें जो क्लासेस दी हैं, जिनको यूज करके हम फाइल में डेटा रीड और राइट करेंगे, मतलब कहने का ये कि जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक्चुअली फाइल में डेटा राइट और रीड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि आउट और इन तो कंसोल पे डेटा राइट करेंगे, लेकिन वो कौन सी क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट फाइल में डेटा राइट करेंगे या जिसका ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं फाइल में डेटा रीड करूंगा। तो यहां पर आपके लिए बाइट स्ट्रीम में मिलेगी इनपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्लास। इस इनपुट स्ट्रीम के बाद आपको सेकंड क्लास मिलेगी आउटपुट स्ट्रीम क्लास, राइट? लेकिन ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम्स आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यू नो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? जिसकी इंप्लीमेंटेड कुछ ना कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, राइट? तो आउटपुट स्ट्रीम की पहले बात करें तो यहां पर आपको मिलेगी फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम मतलब ये वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे फाइल में डेटा राइट करने के लिए। इनपुट स्ट्रीम से एक्सटेंडेड क्लास आपको मिलेगी फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फाइल से डेटा रीड करेंगे, मतलब दिस क्लास इज हैविंग ए मेथड लाइक राइट मेथड, रीड मेथड, ठीक है। फिर ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास आप देखेंगे, इन दोनों क्लासेस का इंप्लीमेंटेशन एक इंटरफेस से हुआ है विच इज कॉल्ड क्लोजेबल। तो क्लोजेबल इंटरफेस क्या है? क्लोजेबल इज एन इंटरफेस, मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक्चुअली एक्सटेंडेड बाय आउटपुट स्ट्रीम एंड इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम एक्सटेंडेड बाय इनपुट स्ट्रीम बट इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस, गॉट माय पॉइंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड क्यों है, क्योंकि क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट होकर इन दोनों के पास एक मैथड आई है, क्लोज मैथड, इसके पास भी है और इसके पास भी है। यहां पर डेटा राइट करना है तो वी हैव अ राइट मेथड, ठीक है। यहां पर डेटा रीड करना है तो वी हैव अ रीड मेथड, एंड देयर आर मल्टीपल रीड मेथड एंड राइट मेथड्स आर अवेलेबल इन दिस क्लासेस, राइट? तो ये हायरार्की है मेरी बाइट स्ट्रीम की, लेकिन इनको यूज करके हम 1 byte ऑफ डेटा ट्रैवल कर सकते हैं, समझना। मैं भी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम वो क्लास जिसको यूज करके फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम वो क्लास जिसको यूज करेंगे हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल, ठीक है। और ये एक और इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है विच इज कॉल्ड फ्लशेबल, मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास ऑल्सो इंप्लीमेंटेड बाय फ्लशेबल इंटरफेस। अब इसमें फ्लशेबल इंटरफेस से जो मैथड आई है वो है फ्लश मैथड, ठीक है, दिस इज अ फ्लश मेथड। तो हम ये बोलते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक्सटेंडेड बाय आउटपुट स्ट्रीम इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल एंड फ्लशेबल, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास एक्सटेंडेड बाय इनपुट स्ट्रीम एंड इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस। तो ये वो क्लासेस हैं जिनको यूज करके फाइल में रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि किसी भी फाइल को जब हम यूज करते हैं तो 3 steps होती हैं। फाइल को ओपन करना है, जिस मोड में आपने ओपन किया है, राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड, 3 modes होते हैं फाइल के। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन राइट मोड एंड अपेंड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस होता है। अरे इससे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको इस फाइल से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ना है, जो आपको इस फाइल आईओ से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ना है, और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्रीमियम कोर्स जो कि टेक विद्वान पर है मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा कि बाइट स्ट्रीम मतलब वो क्लासेस जिनको यूज करके हम 1 byte ऑफ डेटा की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। इन दोनों की पेरेंट क्लास है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, इसमें मेथड है रीड वाली, इसमें मेथड है राइट वाली, दोनों के पास क्लोज मेथड है, इसके पास फ्लश मेथड भी है, क्योंकि डेटा राइट करने के पहले हमें स्ट्रीम को फ्लश भी करना होता है। तो ये हायरार्की भी हमने समझी किसकी, फाइल आउट बाइट स्ट्रीम की। ऐसी ही हायरार्की हमें मिलती है कैरेक्टर स्ट्रीम की। तो कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की में आपको टॉप मोस्ट क्लास मिलेगी रीडर और राइटर, रीडर एंड राइटर, ठीक है। ये रीडर और राइटर है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। फिर इससे
आपको एक्सटेंडेड क्लास मिलेगी फाइल राइटर, ठीक है, ये फाइल राइटर। इससे आपको एक्सटेंडेड क्लास मिलेगी फाइल रीडर। ये हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रीम के। मैंने आपको कहा ना दो तरीके के स्ट्रीम है आपके पास, मतलब मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट से भी फाइल में डेटा राइट कर सकता हूं, मैं फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट से भी फाइल में डेटा राइट कर सकता हूं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट 1 बाइट ऑफ डेटा राइट करेगा, फाइल राइटर का क्लासेस ऑब्जेक्ट 2 बाइट ऑफ डेटा राइट करेगा। ये कैरेक्टर स्ट्रीम इसलिए है बिकॉज इट राइट्स 2 बाइट ऑफ डेटा इन अ फाइल एट अ टाइम। वो बाइट स्ट्रीम इसलिए है क्योंकि एट अ टाइम 1 बाइट ऑफ डेटा राइट करती है। और ये सारे क्वेश्चन समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइल राइटर फाइल आउटपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, फाइल रीडर फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है। तो यार चलो एक बार प्लेसमेंट रेडी कोर्स में और देखो आप कहानी में कितने ट्विस्ट आते हैं वहां पे जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो फाइल रीडर फाइल राइटर आई होप समझ में आया है। और अब देखिए मेरा हमेशा एक चीज मानना होती है, बच्चे हमेशा बोलते हैं मुझसे, देखिए क्या होता है जब आपको अपने आप को इन्हांस करना होता है ना, कि जब आपको लगता है कि आपको आगे फर्दर कंपनीज के लिए रेडी होना है, ठीक है, तो यार अपने लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना होता है। जैसे अपन मोबाइल पे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, कि नया मोबाइल आया तो चलो परचेस कर लेते हैं, अपन कोई भी नई चीज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो यार जब अपग्रेडेशन हम मोबाइल में कर सकते हैं तो अपग्रेडेशन अपने आप के लिए क्यों नहीं कर सकते। मेरा हमेशा ये मानना होता है, देखिए मैं जब से पढ़ रहा हूँ ना, जब से इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने आप के अपग्रेडेशन के लिए रखना पड़ेगा। समझिए बात को इसको, कि अगर आपको अपग्रेड होना है तो यू हैव टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, तब जाके आप अगर आप एक समय एक अमाउंट अगर आप अपने आप पे स्पेंड करते हो तो मेरी मान के चलिए एक स्क्वायर अमाउंट आप रिटर्न में लेंगे टॉप कंपनी से, लेकिन एक अमाउंट आपको अपने आप के लिए रखना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम बात याद रखिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू प्लान, कि आपको एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसीलिए मैं जो बार बार आपसे बोलता हूं ना, कि बॉस ये मत सोचिए कि सर आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं कोर्स सेल कर रहे हैं, नहीं ऐसा कोई मेरा मोटो नहीं है। मैं यहां भी आपको उतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या होता है जब आप एक टॉप मोस्ट एमएनसीज की बात करते हो तो वहां पर टाइम स्पेंड करना है, वहां पर आपको नेशनल लेवल सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन करना होते हैं। इसीलिए जो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि बॉस टेक विद्वान की साइट पर जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, जो हमारा प्रीमियम कोर्स है, तो क्यों ना आप उसको एक बार देखें, आप उसको समझ में आएगा आपको कि दिस इज टोटली अ वर्थ कोर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा हमेशा मानना होता है, क्योंकि जो चीज मैं अपने आप पे इंप्लीमेंट करता हूं, मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूं कि आपको अपने आप पे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को इनहांस करने के लिए बॉस एक साल का अमाउंट बजट फिक्स करिए, बाकी चीजों में कटौती कर दीजिए अभी, लेकिन अपने आप के एनहांसमेंट के लिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी के लिए रेडी होंगे, तब जाके आप टॉप मोस्ट एमएनसीज के लिए रेडी होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए फाइल राइटर फाइल रीडर की बात करें, तो फाइल रीडर के पास जो मेथड है वो मेथड सेम आपको यहां पे मिलेगी, रीड मेथड इसके पास भी है फाइल से डेटा रीड करने के लिए, ठीक है, राइट मेथड यहां पर भी है फाइल में डेटा राइट करने के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइटर और रीडर अगेन, सॉरी, ये दोनों क्लासेस अगेन इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस, ये भी क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है क्योंकि इनके पास क्लोज मेथड है फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो फाइल राइटर क्लास फ्लशेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी इसके पास फ्लश मेथड है। तो ये हायरार्की है दोनों, ये कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की है जहां पर आपको फाइल राइटर और फाइल रीडर क्लास मिलेंगी, ये बाइट स्ट्रीम की हायरार्की है जहां पर आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, लेकिन इसके अलावा भी देखिए बहुत सी क्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, अरे आउटपुट स्ट्रीम, अरे इनपुट स्ट्रीम, देयर आर लॉट ऑफ क्लासेज आर अवेलेबल। ये मैंने आपको केवल एक फाइल में डेटा राइट और रीड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम, हमने उनकी बात की है, लेकिन इनको यूज करके मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट राइट नहीं कर सकता। कि मान लीजिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट राइट करना है, मान लीजिए कि स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे फाइल में राइट करना है तो वी शुड गो फॉर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, अगर ऑब्जेक्ट रीड करना है तो वी शुड गो फॉर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। और डोंट वरी, मैं आपको जैसे कहा ना कि हायरार्की आप यहां समझिए, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि यार मुझे मेरे नाम का पहला लेटर फाइल में राइट करना है, सिंगल लेटर सिंगल कैरेक्टर राइट। तो सबसे पहली स्टेप आप ये ध्यान रखिए कि फाइल से रिलेटेड किसी भी ऑपरेशन के लिए फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दिस हेडर फाइल java.io.star, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख ही लेते हैं, चलिए
अब मैंने यहाँ पर लिखा क्लास टेस्ट राइट कि मुझे फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, आई नीड टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहली स्टेप में आपको फाइल बनानी है, राइट। फाइल क्रिएट करना है मतलब यू हैव टू राइट। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ना, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको इन क्लासेस में कंस्ट्रक्टर भी मिलेंगे, लाइक फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास में कंस्ट्रक्टर है, देर आर थ्री कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, तीन मतलब तीन से ज्यादा भी, फिलहाल हम तीन की बात कर रहे हैं। एक जो आपसे फाइल का नाम मांगेगा विद द लोकेशन, एक आपसे फाइल ऑब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है। तो एक फिर इसके अलावा आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को यूज करना है फाइल को राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए, क्योंकि फाइल तीन मोड चार मोड में ओपन होती है, तीन मोड, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। राइट और अपेंड में डिफरेंस ये होता है कि राइट मोड हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करता है, कि अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और आपने दोबारा उसी लोकेशन पर फाइल क्रिएट कर दी तो आपकी पुरानी फाइल को वो रिमूव कर देगा एंड क्रिएट्स अ न्यू फाइल। अपेंड मोड क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे नई फाइल क्रिएट करता है, लेकिन रिमेनिंग ऑल द टाइम इट एट द डेटा एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो आपको इसके कंस्ट्रक्टर में ट्रू फॉल्स लिख के बताना पड़ता है कि आपको कब फाइल को अपेंड मोड में यूज करना है, कब फाइल को राइट मोड में यूज करना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा फाइल, अब मुझे फाइल ओपन करना है, तो हमने क्या लिखा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर आपने बता दी फाइल की लोकेशन, तो मैंने बोल दिया मान लीजिए फाइल ओपन करिए abc.txt के नाम से। अब अगर मैं मान लीजिए यहां पर कॉमा लगा के ट्रू लिख दूंगा तो इसका मतलब है मेरी फाइल अपेंड मोड में ओपन होगी। तो ये कंस्ट्रक्टर आपसे एक बुलियन वैल्यू भी मांगता है, बट फिलहाल मुझे फाइल को राइट मोड में ओपन करना है। अब ये पूरा कोड मुझे कहां लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक में, बिकॉज ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस फाइल में मुझे क्या करना है, कैरेक्टर राइट करना है। तो सपोज मैंने लिख दिया कैरेक्टर ch इक्वल टू a, अब ये कैरेक्टर राइट करना है तो सिंपली वी हैव टू राइट fos डॉट राइट, और इस राइट को आपने एज एन आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, ये कैरेक्टर। अब आप देखिए आप जाके जब इस फाइल को देखेंगे, मान लीजिए फाइल आपने क्रिएट की है सी ड्राइव में, आपने लोकेशन भी बता दी कि c:// ठीक है abc.txt, तो आप जब उस फाइल में जाके देखेंगे यू विल फाइंड दिस कैरेक्टर इन दिस फाइल। लेकिन इस जैसा बोलते हैं ना, फाइल में डेटा राइट करने के पहले हमें फाइल को फ्लश करना होता है, तो फर्स्ट यू नीड टू फ्लश दिस फाइल। आप इसको फ्लश कर दीजिए, फाइल का टास्क खत्म, क्लोज दिस फाइल, फाइल को क्लोज कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर क्लोजिंग मुझे किसी भी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं करना है, तो फिर हम इसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं कि क्लोजिंग का जो कोड है वो हम फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। चलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा ये बात, डोंट वरी, ठीक है। और ये ट्राई का कैच, और कैच में आपने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन ई। सो दिस इज हाउ, दिस इज अ सिंपल कोड कि हाउ वी कैन राइट द डेटा इन अ फाइल। और ऐसे बहुत से एग्जांपल मैंने बताए हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में बताए हैं जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं फाइल को लेकर, लाइक फाइल को कॉपी किस तरीके से करना है, हाउ टू मर्ज द फाइल, हाउ टू काउंट द कैरेक्टर फॉर्म अ फाइल, हाउ टू राइट अ स्ट्रिंग इन अ फाइल। एक सिंगल कैरेक्टर तो आपने राइट कर दे, लेकिन स्ट्रिंग राइट करना है तो क्या होगा, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड राइट करना है तो क्या होगा। अरे बॉस बिलीव मी, पूरा पैसा वसूल कोर्स है, अगर आप उस कोर्स को एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार सही बोल रहे थे सर, कि अपने आप पे इन्वेस्ट करना कितना जरूरी होता है। तो इसीलिए आप समझिए बात को, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझने की बजाय आप पूरा का पूरा कंटेंट देखिए जो आपको वहां पर मिलने वाला है, प्रीमियम कंटेंट जो आपको मिलने वाला है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, राइट। तो फाइल में डेटा राइट किस तरीके से करना है, आई होप समझ में आया है। अब आपने बोला सर फाइल तो बन गई है, लेकिन अब उस फाइल से मुझे इसी कैरेक्टर को रीड करना है कि एबीसी वाली फाइल है, अब इस फाइल से ये जो ए नाम का कैरेक्टर है मुझे रीड करना है। तो अगर आपको रीड करना है तो अब आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में। तो अगेन यू हैव टू राइट द सेम कोड, लेकिन आप देखो फाइल को हम रीड मोड में कैसे ओपन करेंगे, java.io.star, ठीक है, देन क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और ये जितनी भी फाइल की मेथड्स है ना जो फाइल में डेटा राइट या रीड करते हैं, दे आर थ्रो द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर थ्रो करेंगे तो कंपलसरी आई नीड टू राइट इन ट्राई कैच, या मुझे मेन क्या के थ्रोज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, कि या तो आप मेन के आगे थ्रोज लिखें और या फिर आप ट्राई कैच में अपना कोड लिखें।
अरे बताया था यार, एक्सेप्शन हैंडलिंग याद कर बच्चे, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, बहुत 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 कंफ्यूजन है भाई, इसीलिए बोलता हूँ आ जाओ प्रीमियम कोर्स में, सारे कंफ्यूजन होंगे ही नहीं, दूर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के कंफ्यूजन वहां आपके लिए सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो मेन में आपने लिखा, अब इसके बाद आप देखिए, अगर मुझे फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, अगेन ट्राई, अब यहां पर मैंने फिर लिखा, लेकिन अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये मैं अभी बात कर रहा हूं कैरेक्टर, सॉरी बाइट स्ट्रीम की, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ आई एस इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ये मैंने उसी फाइल का नाम दे दिया abc.txt, ठीक है, सी ड्राइव में। अब ये फाइल आपकी अगर ओपन, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम पूरा लिख लेना यार, ये फाइल आईएस नहीं है, ठीक है यार, तुम तो थोड़ा इधर ले चलता, ये देखिए, अब ये मैंने क्या लिखा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दी फाइल की लोकेशन c:\abc.txt, ठीक। तो अब ये मेरी फाइल ओपन होगी रीड मोड में, अब मुझे फाइल से डेटा रीड करना है, तो आपने क्या किया, कैरेक्टर लिया ch, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा ch=fis.read, ठीक है, और अब आप इसको प्रिंट करके देखो, तो ये जो रीड मेथड ने आपको डेटा दिया है ना, वो बाइट, एक बाइट का डेटा दिया है, और आपका कैरेक्टर जो है कैरेक्टर टाइप का दो बाइट का डेटा है, इसलिए आपको टाइप कास्टिंग नहीं करना है। ये तो आप बोलोगे सर रीड मेथड तो बाइट फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, तो बाइट एक बाइट का होता है ना, और कैरेक्टर दो बाइट का डेटा है, सो देयर इज नो नीड टू डू टाइप कास्टिंग, ओके। और इसको आप क्लोज कैच के बाद, अच्छा यहां पर आपको फाइल को क्लोज भी करना है, तो आफ्टर दिस सिंपली राइट fis.close, ये आपकी फाइल क्लोज हो गई है। अब इसके बाद यहां भी हमने एक्सेप्शन को मैनेज किया, एक्सेप्शन ई एंड देन system.out.print, दैट्स इट। तो आप देखिए, ये मेरा कोड है फाइल से डेटा रीड करने वाला, तो पूरी हायरार्की आई होप समझ में आई होगी, और ऐसे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस, एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलो फिर मिलते हैं टेक विद्वान पे, और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और टॉपिक के बारे में, लेकिन अभी तो फिलहाल हम आगे भी मिलेंगे और बात करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और बस बने रहो यार, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चलो वो भी देख लेंगे इसका, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फाइल क्रिएट होगी, फाइल हार्ड डिस्क में किस तरीके से बनेगी, डेटा राइट कैसे होगा, रीड कैसे होगा, सारी बातें एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।